राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इससे शहर के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पटना सिटी की आलमगंज स्थित भद्रघाट और महावीर घाट के संपर्क पथ पर गंगा का पानी आ गया। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने गंगा स्नान और नावों के परिचालन पर रोक लगा दी। इसके बाद भी भद्रघाट पर छोटे छोटे बच्चे गंगा स्नान कर रहे हैं। माँ गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने जिला प्रशासन से मांग, भद्रघाट और महावीर घाट के संपर्क पथ पर परिचालन बंद कराने और भद्रघाट पर पुलिस की तैनाती करने की भी मांग की है। तार गंगा का जल स्तर बढ़ जा रहा है, जिस तरह से यहाँ पर जो पूजा पाठ होता था उसमें भी बहुत कठिनाई हो रहा है। और कारण है कि जो भद्रघाट से कंगन घाट तक जो रोड गया, रोड पर भी पानी है, उसमें गाड़ी इतना तेज लोग चला रहे हैं उस पानी में कि कभी भी कोई बड़ा घटना हो सकता है। बच्चे लोग भी बहुत ज्यादा निहा रहे हैं, इसमें कम से कम जिलाधिकारी के हुआ से तो बना कर गया था कि गंगा जल में बच्चा को या किसी को निहाने के लिए मना, तब भी उसके बावजूद भी लोग निहा रहे हैं। अभी देखिए, कल परसों के एक न्यूज है कि आपको दीदारगढ़ के आगे जो घाट है, कोई घाट है, उस घाट पर 3 बच्चा डूब गया। तो जिलाधिकारी और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हर घाट पर कम से कम सरकारी व्यवस्था जरूर होना चाहिए। गाड़ी जो चल रहा है अभी रोड में, वो गाड़ी पर रोक होना चाहिए। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी नहा रहे हैं, उसको लिए क्या कोई सुविधा दिया गया है या मना किया? कोई सुविधा नहीं। जो हर साल क्या होता था कि गंगा जल जब बढ़ता था तो इसमें जिलाधिकारी के हुआ, अनुमंडल पदाधिकारी के हुआ से फोर्स को बैठा दिया जाता था, नहाने पर रोक दिया जाता। इस बार कोई व्यवस्था नहीं, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। कल SDO साहब निरीक्षण भी किए थे। जी, कल निरीक्षण किए हैं, बाकी आज उनको फोर्स आ जाना चाहिए था, फोर्स नहीं आया। आज भी हम लोग यहाँ के सामाजिक जो संस्था है, वो संस्था बहुत लोग के मना करता है, जो हम लोग के गलत लोग से सामना भी हो जाता है, गलत भक्त तब के हम लोग के साथ भी लोग उसका परिवार लोग बोलता है।